तांबे ने क्या निर्णय लिया बाद में, वो अगर हमको मालूम नहीं है, उनके नेतृत्व को मालूम नहीं, तो हम क्या कर सकते। लेकिन ये सत्ता का मिसयूज, मुझे मालूम है जब राहुल गांधी बीच में नगर डिस्ट्रिक्ट में आए थे तो उनके घर में रुके थे, तो ऐसे परिवार को, परिवार के ऊपर अविश्वास कैसे रख सकते हैं। ऐसे वॉश आउट वगैरह का ही होता नहीं, या निवडणुका ज्या असतात पण ही निवडणूक जी आहे नाशिक पदवीधरी बिनविरोध होणार नाही। काँग्रेस पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांना आम्ही माहिती दिली असते, त्यातून जो काही निकाल लागायचा तो भविष्यात लागेल, पण कोणतीही गोष्ट महाविकास आघाडीमध्ये निर्णय घेताना महत्वाचा हा समन्वयाची भूमिका असणं गरजेचं। सर हिंदी में जानना चाहेंगे, सत्यजीत तांबे को लेकर आपने जो सामना में लिखा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ आप सवाल खड़े कर नहीं, रहे देखिए हैं। इस प्रकार की जो तो बात है किसी भी पार्टी में हो सकती है। तांबे फैमिली जो है वो परंपरागत कांग्रेस की फैमिली, पुराने कांग्रेस फैमिली, तो उनको उम्मीदवार बनाया, उसमें गलत क्या है? आप कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को दोष नहीं दे सकते। तांबे ने क्या निर्णय लिया बाद में, तो अगर हमको मालूम नहीं है, उनके नेतृत्व को मालूम नहीं, तो हम क्या कर सकते। लेकिन ये सत्ता का मिसयूज, भारतीय जनता पार्टी पहले से ये काम कर रही थी। तांबे जी का तो परिवार राहुल गांधी से बहुत नजदीकी परिवार रहा, मुझे मालूम है जब राहुल गांधी बीच में नगर डिस्ट्रिक्ट में आए थे तो उनके घर में रुके थे, तो ऐसे परिवार को, परिवार के ऊपर अविश्वास कैसे रख सकते हैं। लेकिन उसने जो गलती की है उसके जिम्मेदार वो खुद है। सर राहुल गांधी यांची भारत जोडो यात्रा आता अंतिम टप्प्यामध्ये जम्मूला ते जाणार आहे, तुम्ही सुद्धा त्या यात्रेमध्ये सहभागी होणार आहेत का? आणि राहुल गांधी ज्या पद्धतीनं यात्रा करतायत त्याचा मोठा परिणाम येत्या निवडणुकांमध्ये? मी निवडणुकांविषयी आता बोलत नाही, पण नक्कीच देशामध्ये जागरूकता निर्माण होते। मी जम्मूला त्यांच्या यात्रेत सामील होईल आणि देशभरात त्यांच्या भारत जोडो यात्रेला उत्तम प्रतिसाद मिळतो, उत्तम म्हणजे प्रचंड प्रतिसाद मिळतो, आणि मी रोज त्या यात्रेसंदर्भात माहिती घेत असतो। असं एकही राज्य नाही की जिथे त्यांच्या यात्रेला प्रतिसाद मिळाला नाही। सर भाजप पूर्वी ऑपरेशन लोटस राबवत होतं, आता ऑपरेशन वॉशआउट राबवतंय असं वाटतंय का? आणि सत्यजित तांबे त्याची सुरुवात आहे? मला असं वाटत नाही, असं वॉशआउट वगैरे काही होत नाही। या निवडणुका ज्या असतात पण ही निवडणूक जी आहे नाशिक पदवीधरी बिनविरोध होणार नाही। आता आमची मातोश्रीवर त्या संदर्भात मीटिंग आहे, बैठक आहे, आणि आम्ही सगळे मिळून निर्णय घेऊ महाविकास आघाडीने। निवडणूक बिनविरोध होणार नाही।